नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। आज समाज के रहने वाले लोगों का क्या कहना है उनके बारे में, जानते सीधा लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम आप? सुनील कुमार जी। अच्छा, हाँ जी। सुनील जी, क्या जानते हो आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में? डेरा सच्चा सौदा के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ जी। डेरा सच्चा सौदे के जो नियम है, जो प्रेमी है, ये इनका कहना और सुनना और सेवा करना, किसी गरीब लड़की की शादी कराना, किसी मजबूर इंसान को छत बना के देना यानी कि मकान बना के देना, और किसी को लोड के मुताबिक अनाज देना, ठीक है जी। जितनी भी सेवा, ब्लड दान, मरने के बाद आँख दान हैं, गुर्दा दान, जो भी जिस तरह भी है, जो भी पब्लिक को परेशानी आती है, उस परेशानी को, जैसे कि कोई बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग में मलबे में कोई इंसान दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ है, तो भी तो सेवादार एक फोर्स ऐसी बना रखी है शास्त्र नाम जी, ग्रीन वेल फोर्स, जो कि हर समय तैयार पर तैयार रहती है। जैसे नंबर दो, कहीं आग लग गई, आग लगने लग गई तो ये जो सेवादार हैं, प्रेमी हैं, तो ये तुरंत उसी टाइम जहाँ भी हो, एक फ़ोन के जरिए या फिर वैसे किसी संदेशे के जरिए एकदम ये वहीं पहुँच जाते हैं। ये हर दम सेवादार तुरंत तैयार रहते हैं, दिन हो रात हो, ये एकता का परिणाम है। ये सब एकता है, एकते में ही सारा कुछ है। प्रेमी जन जो भी हैं, ये सब इंसान इंसानियत के तौर से सेवा करते हैं, ना कि ये कोई छुआछात करते हैं, किसी तरह का कोई वृद्ध करते हैं, कोई भी नहीं। इनका सारा संदेश ये है कि सब हम एक हैं, और एक के तौर से अगर किसी को भी कभी भी किसी भी सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हर टाइम तैयार पर तैयार रहते हैं, और ये सेवा के ही कार्य करते हैं। इनका नशे प्रथाएँ बहुत ही जो प्रचार है, जो समझाना है, जो नशे के विरुद्ध हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तम्बाकू, दारू, ये मांस खाना, ये इनका कोई भी संदेशा ऐसा नहीं है। ये जो संदेशा पहुँचाते हैं, ये इनका संदेशा यही है, स्नेह यही है कि जो प्रेम, जो भी परिवार हैं, जैसे भी जहाँ भी हैं, इनका सबका कहना यही है कि ये जो नशे हैं, ये आप शरीर को ख़राब करते हैं, परिवार को ख़राब करते हैं। जैसे शराब पीता है आदमी, और शराब पी के हैवान बन जाता है, तो ये इंसान नहीं रहता, घर में कड़ा क्लेश, तो ये ना ठीक नहीं है। जितना भी नशा, इस तरह से गुरु जी है लोगों का नशा छुड़वाते हैं। गुरु जी के पास जाने से कोई गुरु जी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देते कि कोई ऐसी देती, जैसे कि साधु संत बैठे होते हैं, कोई राख की चुटकी दे दी या कुछ दे दिया, तो जो ये गुरु जी हैं, सिर्फ ये अनमोल दात भगवान का नाम देते हैं, रब का नाम देते हैं, उसका सिमरन करने से ही इंसान के जो बुरी आदतें होती है वो सारी छूट जाती है। जैसे कि नाम लिया भगवान को, वो किसी को बताना नहीं होता, वो अपने अंदर ही अंदर उसका जाप करना है। जितना आप उसका जाप करेंगे, उतना ये जो भी आपको ये नशे लगे हुए हैं गलत, जैसे भी कोई भी नशा है, कितने आज तक गुरुजी द्वारा कितने लोगों को नशा छुड़वा दिया गया? मैं इतना कह नहीं सकता, टोटल मैं नहीं कह सकता। समझ लो कि संसार में आधा 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 हिस्सा तो, या तीन हिस्सा मैं बोल सकता हूँ कि सारे कुल संसार में तीन हिस्से तो गुरुजी द्वारा इन नशों से छुड़वाए जा चुके हैं, और घर में सारों के सुख शांति, अमन शांति, बरकत, सब कुछ मालिक द्वारा दिया जाता है। सर, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप का तो कहना ये है, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा आरोप के बारे में, आरोप के बारे में तो आप भी मेरे से कह सकते हैं कि आपने, सुनील कुमार जी, आपने पराई जनानी को छेड़ा है, या किसी के घर में घुस के कोई सामान उठाया है। भाई, करना, देखना, सुनना बहुत बड़ी गलत बात है, किसी के प्रथाए ऐसी बात बोलना, मैं अपनी जान की सिर की बाजी लगा के बोल सकता हूँ कि वो जो मालिक खुद खुदा रब्बी जोत संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी डॉक्टर, तो वो बिल्कुल पवित्र पाक हैं। अब इंसान को भाई गलत बनाना है, जैसे मर्जी बना लो,
अभी ये जो है गलत का प्रचार देना या गलत को उनके ऊपर फ्रेम लगाना, ये बिल्कुल मेरी मेरे समझ के बाहर है। डेरा की अगर हम बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह का माहौल है, किस तरह गुरुजी शिक्षा देते हैं अंदर? मेरा डेरे में जाना कम से कम 30-35 साल हो गए मेरे को डेरे से जुड़े हुए और डेरे में जाते हुए। डेरे का इतना बढ़िया प्रबंध है कि बहनें बहनों की साइड, भाई भाई की साइड। अब क्या होता है कि जब हम दरबार में एंटर करते हैं जो बहनें हैं वो भाई की तरफ आ जाती है। क्यों आती है? उसका कारण कि जो प्रेमीजन डेरे में दरबार में पहुंचे हुए हैं, जो बहनें हैं, उनको बिल्कुल भी रति भर किसी चीज़ का भी डर नहीं है, तभी वो भाई की तरफ आते हैं। जो भाई हैं वो बिल्कुल भी बहनों की तरफ एंटर नहीं करते हैं। इतना प्रबंध बढ़िया और अच्छा है। भाई बहनें आ जाएंगे, भाई तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? अजी आज के समय में घोर कलयुग चल रहा है, हमारे गुरुजी की तो इतनी लोड़ है कि उनके बगैर तो दुनिया का सुधार हो ही नहीं सकता। उनका अति बहुत जरूरी है। कि लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मेरी गुजारिश, बेनती हाथ जोड़ के यही है कि ये जो डेरे सच्चा सौदा के गुरुजी हैं, गुरुजी वह न्याय झूठ डेरे में जेल में डाल रखे हैं, तो मेरा कहना सरकार से अपील है हाथ जोड़ के कि गुरुजी को बाहर की दुनिया में यानी के डेरे में वापस लाना चाहिए। और डेरे में गुरुजी को वापस लाने का कारण सबसे बड़ा यही है कि समाज सुधार। जो ये लोग फिर गंदगी की तौर भाग गए हैं, नशों की तरफ भाग गए हैं या फिर संसार में बहुत गलत काम हो रहे हैं, ये गुरुजी बाहर आएंगे तो उसका करोड़ों परसेंट बाहर आके समाज में आके समाज सुधार होगा। जी थैंक यू सो मच सर। तो ये है रियल फैक्ट जो समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं समाज को, आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।